फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज मैं अपने जो पेशेंट है उनके बारे, उनका टीथ यहाँ पे निकालने जा रही हूँ। और वो एक मेरे किड पेशेंट है और इनका जो है पीछे से जो दांत है वो परमानेंट टीथ आ चुका है, और आगे वाले जो दूध के दांत है वो अभी टूटे नहीं है, वो हिल रहे हैं। लेकिन बच्चों में क्या होता है ना कि वो खुद से दांत को तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो इसके लिए जो पेरेंट्स जब चाहेंगे कि खुद से मैं निकाल दूं तो भी उन्हें दिक्कत होती है बच्चों को। तो वो बच्चा आज मेरे पास आया है और अभी मैं उनका आपका ओरल कैविटी में जो टीथ है उसको दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो दांत है इनका, ये आगे वाला दांत जो है वो हिल रहा है, जो कि दूध का दांत है, ठीक है। उसके पीछे यहाँ पे परमानेंट टीथ आप देख रहे हैं जो निकल चुका है, लेकिन वो जीभ की तरफ है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जीभ की तरफ ही पड़ा रहेगा, और आगे वाले दांत जो दूध के दांत है अगर वो नहीं हटाए गए तो जो परमानेंट टीथ का जो प्लेस है वो डिस्टर्ब रहेगा, उसे जगह नहीं मिलेगा आगे आने के लिए। तो हम लोगों को जो है जो डेसीडुअस टीथ है यानी जो मिल्क टीथ है, दूध का दांत है, उसे समय पे निकलवा देना चाहिए या खुद से निकाल लेना चाहिए। आप इसको जो है खुद से भी निकाल सकते हैं अगर घर में आप अपने हाथ को अच्छे से साफ कर ले। एक कॉटन रखे जिसमें कि थोड़ा सा आप कॉटन जो है होना चाहिए आपका वो मॉइस्ट होना चाहिए, हो सके तो आप वाटर भी यूज कर सकते हैं, टैप वाटर। और अगर संभव हो तो अपने हाथ को अच्छी तरह से धो के कॉटन को थोड़ा सा वेट करके आप इसे घर पे भी निकाल सकते हैं, अगर बच्चा अगर तैयार हो तो। और अगर बच्चा तैयार नहीं होता है और आप देख रहे हैं कि दूध के दांत भी जो है प्रेजेंट है और पीछे से पक्के दांत आ रहे हैं, तो आपको इसके लिए अवेयर होना चाहिए सो दैट कि परमानेंट टीथ को जगह मिल सके आगे आने के लिए। तो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि आप घर पे किस तरह से इसको निकाल सकते हैं, छोटे बच्चों का दांत। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा कॉटन को, स्टरलाइज कॉटन मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ जो कि होम में तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आप जो है साफ हाथ से इसको लेंगे, थोड़ा सा इसे वेट करना है, माइंड वेट करना है। मैं अभी यहाँ पे वेट कर रही हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा पेशेंट को थोड़ा सा इस तरह से रखना है। और ये काफ़ी कोऑपरेटिव चाइल्ड है और ये बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा समझदार है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा बच्चा जो है आप समझदार है। और हो गया और ये देखिए दांत है वो बाहर आ चुका है। अब दांत निकालने के बाद जो पीछे की सत्ता पे दांत है वो खुद से आगे आ जाएंगे, और इस तरह से ये मुंह बंद करवा देना है बच्चे का। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो ध्यान रखना है ब्लड ना आए ज्यादा, और अगर ब्लड आ रहा है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए क्योंकि आप खुद से कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप डेंटिस्ट के द्वारा कर रहे हैं तो सारे प्रिकॉशंस लेके काम करते हैं, ठीक है। देखो ये तुम्हारा टीथ बाहर आ गया है, तुम देखो यू कैन टेक योर टीथ। ये देखो इधर दिखा दो तो टीथ, ये देखो ये दांत जो है। छोटे बच्चे बहुत कोऑपरेटिव है, थैंक यू सो लोग जो है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने बच्चे का दांत निकाला और अब वो बिल्कुल फाइन है और उसे बहुत अच्छा फील हो रहा है, नाउ ही इज कम्फर्टेबल। तो आइए मैं उससे आपकी बात करवाती हूँ। अभी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा, स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि मेरे तो दांत से खून आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, दांत अच्छे से निकल गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। आई एम बेटर नाउ।